दोस्तों बिहार डीएलएड का आंसर की आ चुका है। आप अपना आंसर की चेकआउट कर लिए होंगे और आप देख लिए होंगे कितना आप स्कोर किए हैं। उसके आधार पे आप सोच रहे होंगे कि इसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इस बार जो है सेशन कुछ ज़्यादा ही लेट हो रहा है। आपका ऑनलाइन आवेदन भाई बहुत दिन पहले हुआ था, उसके बाद बहुत दिन बाद एग्जाम हुआ एंड काफ़ी लेट के बाद आंसर की जारी हुआ। तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है और कब जारी किया जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं आपको सारा डिटेल बता देता हूँ, पूरा वीडियो देखिए, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। आप गूगल में सर्च कीजिए टेक्टोन जॉब, आपको ये वाला वेबसाइट दिखाएगा, पहला वाला वेबसाइट खुलता है उस पर क्लिक कीजिएगा। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप यहां पर आ सकते हैं। यहां पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो रिजल्ट वाला सेक्शन में आपको देखिएगा तो बहुत सारा आपको रिजल्ट का सेक्शन मिलता है, तो यहीं पर आपको दिखाएगा, देख सकते हैं यहां पर बिहार डीएलएड रिजल्ट 2023। ये लिंक हो सकता है आपको ऊपर चला जाए, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहता है क्योंकि मैं अपडेट करते रहता हूं। तो आपको क्या करना होगा, इस लिंक पर क्लिक करना है। कहां गया लिंक, मैं आपको दिखा देता हूं, देख सकते हैं ये वाला लिंक है, तो सिंपल आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा। दोस्तों ये वेबसाइट पे दोस्तों जैसे एडमिट कार्ड, रिजल्ट, न्यू जॉब्स और आंसर की के रिगार्डिंग अपडेट मिल जाता है। तो आप वेबसाइट पे एक या दो दिन में विजिट करते रहिएगा, सारा सेक्शन को एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको मुश्किल से एक तो मिनट लगेगा। तो आपको क्या होगा, बहुत सारा आपको अपडेट न्यू जॉब्स का रिगार्डिंग, एडमिट कार्ड, न्यू जॉब, जितना भी अपडेट आएगा वो आपको मिलता रहेगा। तो इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा, सारा डिटेल दिया गया, चेकआउट कर सकते हैं, नीचे आइएगा, सारा डिटेल आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर नीचे आइएगा तो एक टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, सारा डिटेल बताया गया है कैसे आपको बिहार डीएलएड का रिजल्ट डाउनलोड करना है, वो तरीका देख सकते हैं, मैं आपको बता दिया हूं। इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, ये वो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर रिजल्ट डाउनलोड करना है। अदरवाइज आप नीचे आइएगा तो रिजल्ट डाउनलोड डायरेक्ट लिंक दिया गया है, लिंक वन, लिंक टू, किसी भी लिंक पे क्लिक कीजिएगा। इसे मैं लिंक वन पे क्लिक करता हूँ तो ये जो आपको बिहार डीएलएड के डायरेक्ट रिजल्ट वाले पेज पे आपको लेकर चला जाएगा और बड़ी आसानी से आप रिजल्ट को डाउनलोड कर पाइएगा। दोस्तों अभी रिजल्ट आपका जारी नहीं किया गया है, रिजल्ट आपका हो सकता है एक सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाए। जी हाँ, अगस्त में आपका एडमिशन का पूरा प्रक्रिया को जो समाप्त कर दिया जाएगा तो आपका रिजल्ट जो है वो जुलाई के अंतिम सप्ताह में किसी भी दिन जारी हो सकता है, क्योंकि आंसर की आने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक सप्ताह काफ़ी हो जाता है। तो एक सप्ताह हो चुका है और एक सप्ताह लगेगा और आपका रिजल्ट जो है वो आपका जुलाई के अंतिम सप्ताह में मतलब इसी महीने में किसी भी दिन आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।